हे वेलकम टू शुद्ध नॉलेज चैनल। मैं हूं रविकांत और आज आप सीखने वाले हैं व्हाट इज रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी। तो फ्रेंड्स, आज आप क्या सीखने वाले हैं? नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी। नंबर टू, इम्पोर्टेंस और रीजंस फॉर यूजिंग रॉबर्ट्स फाइल। नंबर थ्री पे है हाउ टू क्रिएट अ रॉबर्ट्स फाइल। नंबर फोर पे है फ्यू मोर टिप्स एंड एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। robots.txt फाइल बेसिकली वो टेक्स्ट फाइल है जो आपकी रूट डायरेक्टरी, जो आपके डोमेन के रूट डायरेक्टरी में यूज की जाती है। robots.txt फाइल सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं उनको कमांड करता है कि कौन से पेजेस को क्रॉल किया जाए और कौन से पेजेस को क्रॉल ना किया जाए। इसके अलावा रॉबर्ट्स जो फाइल होती है ये वो फर्स्ट फाइल होती है, वो पहली फाइल होती है जिसको जितने भी जो बॉट्स होते हैं अपनी आपकी साइट पे आके विजिट करते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्स जो फाइल होती है ये इंस्ट्रक्शन देती है जितने भी क्रॉलर्स होते हैं robots.txt फाइल के थ्रू कि किस पेजेस को किस तरह से आपको गो थ्रू करना है, कि आपको इस पर्टिकुलर जगह जाना है नहीं जाना है। इसके अलावा भी कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इस तरह से जैसे रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल पे विजिट करता है क्रॉलर, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे द्वारा, तो उनको फॉलो करते हैं जितने भी सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं। और एक सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि साइट मैप का यूआरएल आप रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल में आप देकर ये मेक श्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि बोट्स विजिट जैसे करता है तो वो आपकी जितने भी वेब पेजेस हैं, आपके जो भी पेजेस हैं उन पे इजीली विजिट करे, क्रॉल करे। अब बात करते हैं रॉबर्ट्स जो फाइल होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या, उसकी जरूरत क्या है और उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ में। नंबर वन जो पॉइंट है वो है ये कि रॉबर्ट्स प्रिवेंट करता है, रोकता है आपके डुप्लीकेट कंटेंट को क्रॉल होने से। नंबर टू पे प्रिवेंट करता है, रोकता है आपके इंटरनल सर्च रिजल्ट्स पेज पे क्रॉल करने को। नंबर थ्री जो वो है प्रिवेंट करता है आपके सर्वर की ओवरलोड होने को, यानी कि हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे मल्टीपल ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया से आपको या किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन से आपको जो ट्रैफिक मिल रहा है वो इरेलीवेंट है, तो आप उस ट्रैफिक को रोकने के लिए, उस सर्वर को ओवर लोड ना हो उसको रोकने के लिए आप रॉबर्ट्स फाइल यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि गूगल का जो क्रॉल बजट है उसको वेस्ट ना हो, इस वजह से आप रॉबर्ट्स फाइल को यूज करेंगे। फिफ्थ जो पॉइंट वो है आपकी इमेजेस, वीडियोस और अदर रिसोर्सेस की जो फाइल्स होती हैं, आप चाहते हैं कि गूगल की सर्च इंजन रिजल्ट्स में या बाकी सर्च इंजन रिजल्ट्स में ना दिखे, इसलिए भी आप रॉबर्ट्स फाइल यूज करते हैं। सिक्स पॉइंट ये कहता है कि आप अपनी जो वेबसाइट के प्राइवेट सेक्शन हैं जैसे कि एडमिन पैनल हो गया या वो पेजेस जो सिर्फ और सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर यूजर को दिखाना चाहते हैं, आप सर्च इंजन को नहीं दिखाना चाहते, तो उस तरह के पेजेस को क्रॉल होने से बचाने के लिए आप रॉबर्ट्स फाइल को यूज करते हैं। अब जानते हैं कि आप किस तरह से रॉबर्ट्स फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर वन आपको करना है नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड के अंदर जो सिंटेक्स होते हैं वे अभी हम बताने वाले हैं, बॉटम में आप देख सकते हैं। सिंटेक्स को कॉपी पेस्ट करना है नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए, नॉर्मल साइट्स के लिए, नॉर्मल ब्लॉग्स के लिए आप इनको यूज करें और आपको सेव कर लेना है robots.txt के नेम से। तो कुछ इस तरह होने वाला है जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने सिलेक्ट कर रखा है। जो सिंटेक्स रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा जो सिंपल तरीके का है, यूजर एजेंट और यहाँ पे आपने एस्ट्रिक लगाया, डिस अलाउ करा और robots.txt से फाइल नेम रहने वाली है, इसी से आपको सेव करना है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। और फिर सेव के सेक्शन पे क्लिक करना है, robots.txt देनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं देना है। और कैप्स जो है हमेशा स्मॉल में ही रखने हैं, ये ध्यान रखिए, जितने भी कैरेक्टर्स है स्मॉल में रखने हैं आपको, इसको कैप्स में यूज नहीं करना है। और डायरेक्ट फिर सेव करें और इस तरह से आपकी robots.txt फाइल सेव हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि रॉबर्ट्स डॉट टेक्सटी फाइल अगर आपने वेबसाइट पे लगाई है तो उसको कैसे हम टेस्ट करें। टेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका जो जो भी डोमेन नेम है उसके बाद आपको स्लैश रॉबर्ट्स डॉट टेक्सटी टाइप करना है और एंटर करना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से देखिएगा, ये देखिए shuddhknowledge.com/roberts.txt, और उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो जो भी आपने अपनी फाइल में सेव किए हैं सिंटेक्स वो आपको देखेंगे। हमने ये यूज करा है तो हमारे सामने ये इस तरह का सिंटेक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये थोड़ा जूम करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको वो थोड़ा समझ में क्लियर ना आया हो तो। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मेट्स की रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल की, तो उसको थोड़ा समझते हैं। ये बेसिक लेवल का है, अगर आप ज्यादा आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स है या ब्लॉग भी अगर आप यूज कर रहे हैं, आपकी ब्लॉगिंग साइट है, आपको कुछ नहीं, आप इस तरह के सिंटेक्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लीजिए और जो मैंने आपको अभी पिछले कुछ ही मिनट पहले आपको जो बताया उस इस तरह से आपको रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल नेम से सेव कर लेनी है और अपने रूट जो डायरेक्टरी है वहां पर फाइल को अपलोड कर देनी है। तो चलिए कुछ चीजें समझते हैं कि यूजर एजेंट होता क्या है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द रूल इन रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी, यानी कि इसको आपको यूज करना ही करना है। ये पहली लाइन है रॉबर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल की। दिस लाइन ऑफ सिंटैक्स टेल्स फॉर व्हिच क्रॉलर यू वुड लाइक टू सेट द परमिशन, यानी कि ये आपको बताता है कि किस क्रॉलर के लिए आप क्या परमिशन सेट करना चाहते हैं। आप दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं एस्ट्रिक, ये इसको आप स्टार भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि सर्च सभी सर्च इंजन बॉट्स, यानी आप जहां पर भी ये लगाते हैं इसका मतलब है कि सभी सर्च इंजन बॉट्स। अगर आप चाहते हैं कि परमिशन सेट करें किसी पर्टिकुलर बॉट्स के लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको उस बॉट का नाम यूजर एजेंट, जैसे कि आप टॉप पे देख सकते हैं यूजर एजेंट के बाद उस पर्टिकुलर सर्च इंजन का नाम यूज करना होगा। तो ये जो डिस अलाउ वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे डिस अलाउ था बस, इसके आगे हमने और कुछ नहीं किया। तो ये डिस अलाउ है क्या, चलिए इसे समझते हैं। तो ये देखिए, अगर आप डिस अलाउ के बाद ये स्लैश यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जितने भी बॉट्स हैं आप उनको ये संदेशा दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप हमारे वेब पेजेस को, किसी भी वेब पेजेस को विजिट ना करें। सभी सर्च इंजन को आपने इनडायरेक्टली कह दिया कि आपको विजिट नहीं करना है, आपको क्रॉल नहीं करना है। अगर आप सेम स्लैश को रिमूव कर देते हैं तो आप सभी सर्च इंजन बॉट्स को परमिशन दे देते हैं अपनी वेबसाइट वेब पेजेस पर विजिट करने के लिए। अब बात करते हैं अलाउ जो है, अगर आप यूज करते हैं तो उसे क्यों यूज करते हैं। वेल, अलाउ आप तब यूज करते हैं जब आप उस फोल्डर, किसी फोल्डर को आपने हो सकता है डिस अलाउ किया हो, लेकिन उसी फोल्डर के सब फोल्डर को अगर आप चाहते हैं कि गूगल या बाकी जो बॉट्स हैं विजिट कर सके, क्रॉल कर सके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने डिस अलाउ किया था फोटोज का जो सेक्शन था उसको हमने डिस अलाउ किया था, लेकिन हम उसी फोटोज के जो सब सब सेक्शंस हैं, सब फोल्डर्स हैं, तो उसको हमने अलाउ किया है। तो photos/mycard.jpg ये एक इमेज है, इसको हम अलाउ कर रहे हैं, जितने भी बॉट्स इनको क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो फोटोज वाले जो फोल्डर है उनको क्रॉल नहीं कर सकते। साइट मैप देखिए, साइट मैप आप नॉर्मल तरीके से इस तरह से सिंटेक्स आप रखने के बाद आपको ये चीज जरूर जरूर मेंशन करनी है, ये मस्ट है। आप करेंगे तो इनडायरेक्टली आपको SEO बेनिफिट मिलना जरूर है। अकॉर्डिंग टू most.com आप अगर रॉबर्ट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट में ये जो साइट मैप का लिंक है आपको मेंशन करना है। इससे इजी हो जाता है हमारे सर्च इंजन के लिए, वो विजिट करता है और उसको दिक्कत नहीं होती हमारे पेजेस को क्रॉल करने के लिए। अब बात करते हैं जो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि गूगल बॉट्स, अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन को हम ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, यूजर एजेंट के बाद आपका सेमी कॉलन और स्पेस देके आपने गूगल बॉट, आपने गूगल को करना है तो हमने गूगल बॉट यहाँ पे मेंशन कर दिया, और डिस अलाउ के बाद ये आपको जरूर यूज करना है। इसका मतलब है कि आप गूगल बॉट को डिस अलाउ कर रहे हैं। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज होप करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बेसिक लेवल पे जितना भी मैंने सिखाया है ये आपके लिए बहुत है, काफी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।